तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, ये व्लॉग बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। तो गाइस, ये व्लॉग होने वाला है हमारे स्कूल के एनुअल डे पे, जिसका नाम है तरंग, जो कि गाइस हमारे एक साल में लास्ट के महीने में होता है। ये हमारा दिसंबर महीने में होता है, जिसका नाम तरंग होता है एनुअल डे का। तो गाइस, आज ये व्लॉग इसी पे होने वाला है, तरंग के एनुअल डे पे। तो गाइस, हम आपको दिखाने वाले हैं कि इसमें एनुअल डे में क्या क्या होगा। तो गाइस, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होगा इसमें। तो गाइस, इसमें अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होंगे, अलग अलग मतलब एक तरीके के आप मान सकते हो, डांस, सिंगिंग, काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स होंगे। बट हम आपको एक दो ही दिखाएंगे, क्योंकि ये मैं ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगा। और अलग अलग स्टॉल्स होंगी खाने पीने की, अलग अलग तरह की गेम्स होंगी इसमें, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मस्त एकदम एनुअल डे अच्छा बनाया जाएगा। और उसमें अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स होंगे, पेरेंट्स के भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं इसके अंदर। और उसमें अलग अलग तरह की मतलब राइड्स होंगी, स्विंग्स होंगी। तो गाइस, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इस व्लॉग के साथ जुड़े रहना। तो गाइस, मैं आपको पूरा व्लॉग दिखाऊंगा स्टार्टिंग से तक एंड तक का। तो गाइस, रेडी रहना। तो गाइस, चलो इस व्लॉग को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब हम अंदर आ चुके हैं, और गाइस बाहर से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारा, आप देख सकते हो तरंग लिखा हुआ है। तो गाइस, चलो अब अंदर चलते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चल रहा है हमारा फंक्शन। ये हमारा पहला ग्राउंड है स्कूल का, और वो आप देख सकते हो सामने परफॉर्मेंस चल रही है छोटे छोटे बच्चों की। और आप देख सकते हो कितने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, और आप देख ही सकते हो। और ये रहा मेरा दोस्त, जो कि मुझे मिल गया अभी अभी आया था थोड़ी देर पहले, ये भी इसको देखो। तो गाइस, ये हमारा दूसरा ग्राउंड है जहाँ पे झूले वूले लगे हुए हैं, और साथ में स्टॉल्स हैं, देख सकते हो आप। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल रही है, और साथ में टिक्की विक्की मिल रही है, और ये झूला अपना, और भी बहुत सारे झूले लगे हैं, मिक्की माउस वाला देख सकते हो आप। और यहाँ पे और भी खाने पीने की चीज़ें थी कि ये देखो छोले भटूरे, यहाँ पे आइसक्रीम की स्टॉल है, और सामने डीजे है सामने भी। पर गाइस, हमारे स्कूल में यहाँ पे बहुत सारी गेम स्टॉल्स भी लगी हुई हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ग्लासेस वाली गेम है, बॉल मारनी है, किसी ने बॉल मारी और सारे ग्लास गिराने हैं तो आपको एक बेस्ट सरप्राइज़ मिलेगा। तो गाइस, ये है दूसरी स्टॉल, जो कि हमारी ही क्लास की स्टॉल है, हमारी क्लास के स्टूडेंट्स ने लगाई है। इसमें करना है हमको बॉल को इस रेड लाइन से पहले बाउंस करके कप में जानी चाहिए। तो ये वाली भी बहुत अच्छी गेम है, इसमें मैंने एक पेन जीता था, काफ़ी अच्छा वाला पेन जीता था। तो गाइस, ये भी एक गेम है। तो गाइस, चलो नेक्स्ट गेम की तरफ चलते हैं फटाफट से। तो गाइस, चलो कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस, हमारे स्कूल में एक पिज़्ज़ा स्टॉल भी थी, तो मैंने भैया को बोला, मैं कहा भैया एक पिज़्ज़ा बना दो, तो भैया ने भी फटाफट से बना के दे दिया। मैं और मेरा दोस्त खा रहे हैं, इसको देखो खाने के लिए रेडी हो गया है। तो गाइस, चलो फटाफट से अब अपन भी खा लेते हैं। तो गाइस, चलो। तो गाइस, पिज़्ज़ा के बाद अब आइसक्रीम खा रहे हैं। जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, उसमें कर्ता धर्ता में से जो मेन कोर टीम है, उसमें से आप आगे आते हैं। आप भी इसी तरह से इसी विद्यालय से पढ़े हुए हैं, इसी विद्यालय के स्टूडेंट हैं। कभी उस इधर आओ बेटा, इसको रोल करो, म्यूजिक दीजिए लकी प्राइज के लिए। शाबाश, एक बार और उनकी पर्ची ना रह जाए, उनकी पर्ची ना दीजिए। राइट एंड स्ट्रेट, वेरी गुड, हर समय पीला ही पीला। येलो पर्ची, किस्मत वाली पर्ची अंदर डाल दीजिए, ये भी हिला दीजिए, बहुत बढ़िया। देखते हैं आप किसके पास जाता है। आप हरप्रीत निकालने जा रहे हैं उस प्राइस को, आंखें बंद कर लीजिए, हिलाइए। आगे वाले
लकी पर्ची मेरे पास आ गई है, मेरा मैनेजर सर से और मंत्री सर से अनुरोध, आ जाइए सर, मोटिवेशन मिलता है, इधर आकर एक्साइटिंग प्राइस दीजिए। ये बच्चा है प्राइस जो पर्ची नंबर 2634 विनर आ चुका है, तालियों से स्वागत कीजिए हरप्रीत, पर्ची चेक करो 26। नो इट इज, सुन लो ध्यान से, वो बच्चा लेकर आया 2664 लाया, जबकि प्राइस क्या है 2634 आपका है। अरे वाह, लकी विनर हमारे बीच में है। मैम प्राइस सर, मैम फोटो लीजिए सर, हाथ लगा दीजिए सारे हाथ, तालियों से स्वागत। पर्ची अपने हाथ में रखिए क्योंकि एक और पर्ची निकलनी है अभी, जो जितनी बार बोलेगा उसका प्राइस निकलेगा। किसका प्राइस निकलेगा? बीच से आवाज नहीं आई, साइड से नहीं आई, क्या पर्चियां गिर रही हैं, ध्यान से वापस डालो, वापस। मजा आ गया गेम खेल के, और हमको मंच भी मिल गई एक। और ये मेरे कुछ अतरंगी दोस्त को देखो, छोले भटूरे कैसे खा रहे जैसे कभी खाए ना हो। तो गाइज अब हम यहाँ पे पिज्जा खाने आ गए हैं, क्योंकि गाइज स्कूल में बहुत ज्यादा ही कॉस्टली पिज्जा था और बहुत ज्यादा छोटा पिज्जा था, तो हम यहाँ पे पिज्जा खाने आ गए हैं अपने यहाँ पर। तो गाइज भैया ने देखो कितना अच्छे से चीज वीज डाल दिया, बढ़िया मस्त, और ये पिज्जा हो गया हमारा रेडी, तो हम खाते हैं मस्त। तो गाइज अब हम अपने घर पे आ चुके हैं, और गाइज लिटरली आप मानोगे नहीं, अभी का टाइम हो रहा है 6:50, और गाइज हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया था, 4:30 तक खत्म हो चुका था हमारा प्रोग्राम एकदम। और फिर हम, आप लोगों ने जैसे कि देखा, फिर हमने कुछ खाया वाया भी था वहाँ पे, तो उसमें भी टाइम लग गया। पर गाइज 7 बज चुके हैं पूरे के पूरे, तो गाइज बहुत ज़्यादा थक भी गया, गाइज इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना इस टाइम पे, पूछो मत, कि अभी सोऊंगा तो कल सुबह ही उठूंगा, ऐसी नींद आ रही है, पैर एकदम ब्लॉक हो, क्योंकि गाइज मैं सुबह कम से कम 9 बजे पहुंच गया था, क्योंकि मेरा एक कंपटीशन था ड्राइंग कलर स्प्लैश में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो उस टाइम मेरा फ़ोन नहीं था, तो इसलिए मैंने वहाँ का वीडियो नहीं बनाया, और वैसे भी फ़ोन अलाउड नहीं थे, मना कर दिया था, बट सब लेके आए थे फ़ोन, तो मैंने भी फिर अपना 12 बजे फ़ोन मंगाया था, तभी से ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी थी स्टार्टिंग से, हमने देखा होगा तो मैंने वो वाला पार्ट नहीं दिखाया आपको, वरना मैं 9 बजे से स्कूल के अंदर हूँ और पूरा खड़ा ही रहा हूँ, बैठा बस एक दो जगह बैठा हुआ थोड़ी देर के लिए, फिर मतलब पूरा घूम ही रहा हूँ दोस्तों के साथ, आप लोगों ने देखा वो तो थोड़ी बहुत वीडियो बना ली थी दोस्तों के साथ, और गाइस पूरा दिन मैं वहाँ पे खड़ा रहा, घूमता रहा इधर से उधर, गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया, बहुत ज़्यादा वहाँ पे अलग अलग टाइप की स्टॉल थी, और आपने देखा मैंने एक स्टॉल खेली भी थी, उसमें हमको एक चॉकलेट मिली थी मंच, उसमें हमने एक चीज़ गिराई थी बट उसमें हमको चॉकलेट मिली थी, बट काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया खेलने में, और मिनिमम प्राइस थे 20। तो गाइस अगले साल अब फिर होगा, मैं तो चाहता हूँ ऐसे मतलब एक बार और होना चाहिए ऐसा प्रोग्राम, बट ये हमारा साल में एक बार ही होता है, जो कि दिसंबर में होता है, अभी ये सीधा 10th में होगा, अभी तो मैं 9th में हूँ, अभी सीधा 10th में ही होगा हमारे दिसंबर में। तो गाइज अगर आपको भी आना है तो आप भी आ सकते हो हमारे स्कूल में पंजाबी बाग। तो गाइज अब इस व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते आने वाले जल्दी ही के नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।